हॉल में हुआ था। बारामूला के संबंध में कुछ ऐसा है कि लगभग हर दूसरे महीने आना और आपसे मिलने का अवसर प्राप्त करना ये बन जाता है। कोशिश हो रही कि उनके सपनों को कैसे पूरा किया जाए, कैसे उनके सपने ऊंचे हों, उनकी आकांक्षाएं कैसे देश की आकांक्षाओं के नौजवानों से जुड़े। और मुझे संतोष है कि जो स्कीम शुरू हुई उसमें काफी ज्यादा संख्या में नौजवान जुड़े और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यूथ और महिलाओं ने मिलकर एक बड़ा अच्छा वातावरण पूरे जम्मू कश्मीर में बनाया है। बैक टू विलेज में कार्यक्रम हम लोग लेते हैं, हर पंचायत से नौजवानों को आइडेंटिफाई करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक सहायता प्रदान कराना ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, डोलीपुरा, वडेराबाग, पंजुला, बचबल, गोयाबाग की वाटर सप्लाई स्कीम उन इलाकों के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक जीवन रेखा साबित होगी और वहां के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अब आर्थिक विकास में तेजी आई है और केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है जिससे हर जिले को स्कीम्स का लाभ मिल सके। ये प्रोजेक्ट्स हमारे संकल्प का भी प्रतीक है कि बारामूला के नागरिकों के सपनों को साकार करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। मान में अगर मैं कहूं तो सोच में भी वही एक नगमा है, सोच में भी वही एक नगमा है जो साज में है, फर्क नजदीक की और दूर की आवाज में है। ये सबब है कि तड़प सीनाए हर साज में है, मेरी आवाज में शामिल तेरी आवाज भी है। मैं मानता हूं कि जब नागरिकों के सपने चला गया है, एक भी नागरिक तरक्की की इस यात्रा में पीछे न छूटे। एक समय था जब बारामूला का डिस्ट्रिक्ट कतक सभी डीसी साहिबा ने बताया 200-250 करोड़ का होता था, अब ये आंकड़ा 1000 करोड़ के ऊपर। केसन हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, हेल्थ या फाइनेंशियल इंक्लूजन, अनेक क्षेत्रों में अब अच्छा प्रदर्शन करके बारामूला अभी भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं कि अभी ये इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बने। आकर कहें कि उन्हें इंटरप्रेन्योर बनना है तो उन्हें इस बात का भरोसा देना मैं जरूरी समझता हूं कि ट्रेनिंग से लेकर फाइनेंशियल मदद तक सारी व्यवस्था प्रशासन की जिम्मेदारी है और वो जरूर की जाएगी। आपके सपनों को पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। मैं युवाओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप सपने जरूर देखें, नए संकल्प जरूर गढ़ें, नई आकांक्षाएं आप में जरूर जन्म लें और आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम सब दिन रात मेहनत करेंगे। आज अभी जिस मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल का वर्चुअल उद्घाटन हुआ है उसके बारे में मेरे पहले भी बताया गया है। एक सपना है कि हर जिले में एक इस तरह की व्यवस्था हो। दो पिछले वर्ष चालू हुए, आज दो और प्रारंभ हो रहे हैं, इस तरह भी फंक्शनल हो गया है। बाकी जगह काम चल रहा है जैसा मुझे अभी शहीद इकबाल चौधरी ने बताया होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में जिस युवा शक्ति का निर्माण हो रहा है उसके लिए खेल के मैदान और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक तैयार हुआ। इसी बारामूला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से यह इंस्टीट्यूशन भी खड़ा किया गया। संगीत आर्ट के कार्यक्रमों का रिवाइवल हो रहा है। अभी भी रिक्रिएशन एक ऐसा माध्यम था जो बाकी था, युवाओं को सच में सपनों कल्पनाओं की दुनिया में ले जा सकेगा। श्रीनगर और जम्मू ही बल्कि छोटे छोटे शहरों के युवाओं के लिए भी सिनेमा हॉल तैयार हो रहे हैं।
बारामूला और हंदवाड़ा के सिनेमा हॉल के लोकार्पण के साथ इन दोनों शहरों के सुनहरे भविष्य का आगाज भी हो रहा है। इन सभी मल्टीपर्पज हॉल को इस तरह बनाया गया है कि मनोरंजन के साथ साथ युवाओं को एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, आर्ट जैसे विषयों में भी अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ काफी कुछ सीखने और समझने का अवसर मिलेगा। इस तरह हमारा युवा नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, उसमें इस तरह के संसाधन उनके भीतर और तरक्की करने का जरूर पैदा करेंगे। मैं जादूज के मित्रों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने अच्छी डिजाइन और एक अच्छे स्तर का इंटरटेनमेंट की व्यवस्था तैयार की है। मुझे उम्मीद है कि भारत के सच्चे सपूत शहीद मकबूल शेरवानी हॉल में निर्मित ये सिनेमा हॉल अभी हम लोग वहां चल रहे हैं,